चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आईसीसी के मुताबिक आईसीसी ने एजीएम में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में जो कोलंबो में आईसीसी की तरफ से रखी गई थी, वहां पर पाकिस्तान को 544 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया, यानी कि 65 मिलियन डॉलर के बजट को मंजूरी दी गई उस एजीएम मीटिंग में। और इस एजीएम मीटिंग में एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आई, वो ये थी कि इसमें पाकिस्तान के बाहर कुछ मैचों के जो आयोजन होने हैं उससे जुड़ी लागतें भी शामिल थी। यानी कि आईसीसी ने एक तरीके से पाकिस्तान की जो मनमर्जी चल रही थी कि भाई भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, उस पर पानी फेर दिया है। यानी कि आईसीसी को भी पता है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत के मुकाबले जो होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाएंगे। यानी कि यूएई में जो मोस्ट पॉसिबल जो चांसेस बन रहे हैं, सिनेरियो बन रहा है कि यूएई में या फिर श्रीलंका में भारत के मैचेस कराए जाएं। जो 2023 में एशिया कप हुआ था जिसका होस्ट पाकिस्तान भी रहा था, जहां पर हाइब्रिड मॉडल पे वो टूर्नामेंट ऑपरेट कराया गया था, उसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी एक हाइब्रिड मॉडल के तहत कराई जा सकती है, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है। हालांकि बीसीसीआई ने इसमें कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन आईसीसी भी ये मान चुका है और भारत भी ये मानता है कि भारतीय प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। यानी कि भारत के जो मुकाबले होंगे वो चैंपियंस ट्रॉफी के, जो कि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, वो सभी मुकाबले जो भारत जो पाकिस्तान ने एक शेड्यूल जारी किया था उसमें लाहौर में भारत के मुकाबले रखे गए थे। जो शेड्यूल पीसीबी की तरफ से आईसीसी को दिया भी गया था, उस शेड्यूल का कोई मतलब निकला नहीं वैसे, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा इसका मतलब हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा पूरा टूर्नामेंट। तो ये बड़ी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी से निकल के आ रही है, जो कि 2025 में पाकिस्तान में खेली जाएगी। पाकिस्तान इसका होस्ट नेशन है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और पूरा शेड्यूल भी इसका एक तरीके से बहुत जल्द आने वाला है। शेड्यूल क्या, आईसीसी ने जब 544 करोड़ का बजट पास किया तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि उसमें जो बाहर के मैचेस थे, यानी कि जो इंडिया के मैचेस होंगे, जो बाहर होंगे, उससे जुड़ी लागतें भी उस बजट में शामिल थी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आईसीसी भी ये मानता है कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसी पे ये टूर्नामेंट ऑपरेट कराया जाएगा। जो श्रीलंका में कोलंबो में जो 4 से 5 दिन मीटिंग चली थी, जहां पर आईसीसी के तमाम ऑफिशियल मौजूद थे, भारत के बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह मौजूद थे और जो आपके पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जी भी वहां मौजूद थे, तो तमाम ऑफिशियल और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स भी वहां पे थे, तमाम क्रिकेटिंग नेशन के ऑफिशियल्स ने मिलके ये फैसला किया और पाकिस्तान को ये बजट पास कराया गया आईसीसी की तरफ से। और उस बजट में 544 एज पर द रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट में 544 करोड़ रुपए की राशि पाकिस्तान को पास की गई है आईसीसी की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि यूएई में होंगे भारत के मुकाबले।